इसी को बोलता है हैंड ब्रेक, यानी हाथ से इसको। ये देखिए लिखा हुआ है बफर एंड एट 517 मीटर, यानी ये जो सिग्नल दिख रहा है आप लोगों को जहाँ पे हम टॉर्च भुक भुका रहे हैं, देखिए ऐसे ऐसे इशारा कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ। स्वागत है दोस्तों नए ब्लॉग में। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि मेरा ड्यूटी 12 बजे रात से सुबह 8 बजे तक का है, तो अभी आ गए हैं ड्यूटी लगभग 12:20-25 हुआ है, 25-30 मिनट पकड़िए। और ये है अपना, ये सामने जो गाड़ी देख रहे हैं ये है जबलपुर इंटरसिटी, जबलपुर से आती है सिंगरौली के लिए और फिर सिंगरौली से जाती है जबलपुर के लिए। तो इसका अभी इंजन रिवर्स कर दिए हैं हमारे एक साथी सेंटमैन, वो इंजन उस तरफ लेके गए हैं, अब उस तरफ अटैच करेंगे वो, ठीक है, और हम ही जाके अटैच करेंगे। वो इंजन रिवर्स करके पायलटिंग कर रहा है ड्राइवर के साथ, ठीक है दोस्तों। ऐसे आगे जैसे जैसे काम मिलता है वैसे वैसे आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे, ठीक है, बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिए। उधर देखिए दोस्तों 13:025 अराइव हो चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। ये गाड़ी वीकली है, कहाँ के लिए है देख के बताते हैं, यहाँ से दिख भी नहीं रहा है, मतलब ये वीकली चलता है, डेली नहीं है। उधर भोपाल हावड़ा एक्सप्रेस आ चुका है दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। उधर दोस्तों इंजन अटैच कर दिए थे, उसके बाद छोटा मोटा काम मिला और फिर अभी जो है देखिए अब पेपर ले लिए हैं, जबलपुर वाली इंटरसिटी का पेपर दे दिए हैं। अभी ये सिंगरौली से बनारस के लिए खुलता है तो उसी का पेपर वगैरह है, ये पेपर लेके जा रहे हैं अब बनारस इंटरसिटी को, वहाँ से पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लाएंगे। उधर जो दिख रहा है लाइट वो भूख भाग कर रहा है, वही बनारस इंटरसिटी का लाइट है और वो अभी स्टेबल किया हुआ है, गुटका वगैरह चेन वगैरह लगा के अभी दिखाएंगे आप लोगों को, उसको हटा के और वहीं पे रख देंगे और फिर गाड़ी को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लाएंगे, ये बना जबलपुर वाली खुल जाने के बाद, ठीक है ना। ये उसके बाद ये आएगा इसमें, फिर 5:30 में उसका यहाँ से डिपार्चर है। अभी लगभग 40 मिनट इधर और 30 मिनट उधर, 1 घंटा 10 मिनट बकाया है, ठीक है। तो चलते हैं उसको लाते हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म में, फिर आप लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है दोस्तों। आ गए हैं बनारस इंटरसिटी के करीब। ये देखिए लिखा हुआ है बफर एंड एट 517 मीटर, यानी ये जो सिग्नल दिख रहा है आप लोगों को जहाँ पे हम टॉर्च भुक भुका रहे हैं, वहाँ से इस लाइन का दूरी अंदर तक 517 मीटर है। ये नाप के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले और सिग्नल वाले सब लोग अपना लिख के और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर देते हैं डाटा, अब उसके हिसाब से ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट अपना इस्तेमाल करता है, इसमें 517 मीटर से ज़्यादा लंबा गाड़ी को नहीं घुसाता। देखिए दोस्तों उसी से स्टेबल होता है, दो गुटका लगा हुआ है, एक चेन है और उधर भी होगा तो वो सब हटा देंगे। इसी से, इसी को बोलता है स्टेबल करना, इससे गाड़ी लुढ़कने से बचता है। अब इसको अभी हटा देंगे, फिर इसको ले जाएंगे यार्ड में, ठीक है। यार्ड में ले जाने के बाद आप लोगों को फिर अपडेट करते हैं। अपने इंटर बनारस इंटरसिटी पटना प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है और ये जैसा कि जानते हैं ये मेमो है, मेमो गाड़ी का मतलब ये हुआ कि ये दोनों तरफ से चलता है, इसमें इन बिल्ड मोटर लगा रहता है, जो इसमें इंजन लगाने का जरूरी नहीं था। देखिए ऊपर ये जो लगा हुआ है यहाँ से करंट लेके और मोटर को सप्लाई करता है, मोटर से फिर चलता है।
और उधर एक और गाड़ी का अनाउंसमेंट हो रहा है, जबलपुर से चल के हावड़ा को जाने वाली 144-11447, जिसमें अपने उज्जवल जी हैं। अभी तत्काल में डेढ़ घंटा के अंदर में 4 गाड़ी यहां से कोचिंग गाड़ी गुजरेगा सिंगरौली से। सामने जो गाड़ी आ रही है दोस्तों, उससे बीपीसी लेना है, ब्रेक पाइप सर्टिफिकेट जिसका फुल फॉर्म होता है। देखिए ऐसे ऐसे इशारा कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि आ रहा है। देखिए वाली गाड़ी आएगी, उसके बाद उसको फिर स्टेबल करने जाएंगे, तो लगभग अपना ड्यूटी उसी में समाप्त हो जाएगा। आज का पहला दिन देखिए, देखते हैं देखिए। इधर प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, 4 में गाड़ी आ रहा था। अब धीरे धीरे करके पटना वाली जो गाड़ी है आ चुकी है, और इसको अब यार्ड में ले जा रहे हैं स्टेबल करने के लिए। देख रहे हैं, देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये पानी के लिए लग रहा है, पानी भरने के लिए। धीरे धीरे रफ्तार से बैक होगा ऐसे ही। ये देखिए आगे दिख रहा होगा सिग्नल, ये काम करने के बाद अभी जब पूरा काम ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपना हो जाएगा ड्यूटी ऑफ, और फिर चलेंगे रूम पर। उसके बाद रात भर जगे हैं तो ऑब्वियसली बात है सोना प्राइमरी काम रहता है। इधर देखिए संट मिल गया है, इसको बोलता है नीचे वाला जो दिख रहा है उजला उजला, 2 इसी से यार्ड में गाड़ी का मूवमेंट होता है स्टेशन यार्ड में। स्टेबल कर दिए हैं दोस्तों, अब जाके फिर अभी हैंड ब्रेक जो गार्ड ब्रेक वाहन में होता है वो कस देंगे ताकि फुल सुरक्षा हो जाए, और उसके बाद फिर क्वार्टर चला जाएगा। इसी को बोलता है हैंड ब्रेक, यानी हाथ से इसको कसिए। जिस तरफ बॉटल कसाता है उसी डायरेक्शन में ये भी कसाता है। इसमें यहाँ पे एक रहता है इंडिकेटर, वो ऊपर तक जाना चाहिए। अभी ये और कसाएगा, इसको कस देते हैं पूरे, और प्रेशर भी गिरा देते हैं, क्योंकि प्रेशर गिरा देने के बाद जरा सा भी गाड़ी आगे पीछे नहीं करता है, एकदम ब्रेक डिट्टो पकड़ लेता है। जरा सा भी आगे पीछे नहीं होगा, इसलिए जो गुटका लगाए हैं लकड़ी का वो दबेगा भी नहीं, प्रेशर 0 है। फिर शाम वाला जो कोई आएगा उसका काम रहेगा कि अपना निकालेगा। अब हम चलते हैं रूम, ठीक है, रूम में पहुँच के आप लोगों को अपडेट। पहुंच गए दोस्तों अब क्वार्टर, अब जो है हाथ पैर धो के पूरा एकदम अच्छे से सब फ्रेशन अप होके, और उसके बाद सो जाएंगे। तो हमारे तरफ से आप लोगों के लिए गुड नाइट। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई जो आप सजेशन देना चाह रहे हैं वो सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए ब्लॉग में इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।